हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पत्र लेखन देखने वाले हैं। विषय है हमारा प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जनता इंटर कॉलेज रामपुर। विषय है छात्रवृत्ति के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं स की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 9 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सभी विषयों में मेरे अंक 90% से अधिक थे। मैं विद्यालय की ओर से अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार भी जीत चुकी हूँ। पिछले वार्षिक उत्सव में मेरे द्वारा किए गए शास्त्रीय नृत्य के प्रदर्शन को सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा सराहा गया था। मेरे पिताजी फायर ब्रिगेड विभाग में कार्यरत हैं थे, जिनका विगत वर्ष सुंदरनगर बाजार में लगी आग को बुझाते समय झुलस जाने के कारण देहांत हो गया था। मेरी माताजी एक गृहिणी हैं। मेरे अतिरिक्त मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन भी है, जो आपके विद्यालय में ही कक्षा 5 और कक्षा 3 में अध्ययनरत है। पिता की पेंशन सीमित होने के कारण घर का घर और हम तीनों भाई बहनों के विद्यालय की फीस जमा करना कठिन है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करें, ताकि मैं आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूं। मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर बनकर अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती हूं। आपकी आज्ञाकारी शिष्या संगीता दुबे, कक्षा 10 स अनुक्रमांक 3, दिनांक 18/11/2022। तो इस तरीके से छात्रवृत्ति के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हो, जिसमें आपके द्वारा जो भी अचीवमेंट है स्कूल की तरफ से आपको जो मिले हैं पुरस्कार, वो आप उसमें लिख सकते हो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव हम लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको छात्रवृत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये पत्र समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।